ठंड का मौसम शुरू होते ही हादसों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसा ही एक बड़ा हादसा गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र में देखने को मिला, जहां गोंडा बलरामपुर हाईवे पर दो ट्रक और एक ट्रक ट्राली के बीच भीषण हादसा हुआ, जिसमें सभी वाहनों के परखच्चे उड़ गए और ट्रैक्टर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे में एक ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रह गया। घटना की सूचना पर पहुंचे एसएसपी सीईओ सहित कई थाने की पुलिस ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लेने लगी, जिसके बाद गोंडा पुलिस ने बड़ी सावधानी से जो है रेस्क्यू कर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। गोंडा से तुफेन खान की रिपोर्ट। जनपद गोंडा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत पंडित कृपाल के पास जो बलरामपुर रोड है, एक गन्ने की लदी ट्राली और खाद्यान्न लदे हुए ट्रक में जो है टक्कर हुई है, जिसके चलते जो है गन्ने की ट्राली के नीचे उसका ड्राइवर आ गया था और जो है ट्रक के नीचे भी उसका ड्राइवर आ गया था। 112 नंबर को श्री अनमोल मिश्रा नाम के किसी व्यक्ति ने सूचना दी थी। 112 नंबर की PRV और कोतवाली देहात, कोतवाली नगर।